हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं इस चैनल में बहुत दिनों बाद एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आई हूँ और वो भी एक किंग साइज़ बेड का। दिखा देती हूँ मैं इसका अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन और रिव्यू, फिर हम आपको डिटेल्स में सारे वीडियो के दौरान बताते रहेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिए, ओडिया ब्लॉगर जूनू सर्च कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए। ये बेड हमें कुछ इस तरह रिसीव हुआ था, बहुत ही अच्छी तरह से पैक्ड होके आया था, जैसे कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं था, और ये 22 डेज लगा था डिलीवर होने में। जैसे कि ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है तो ये टाइम लगता है डिलीवर होने में, 22 डेज एग्जैक्टली, मतलब जिस ड्यू डेट था उसी में आया था। और नेक्स्ट डे ही वो इंस्टॉलेशन वाले भैया आ गए थे, वहाँ लिखा हुआ है संडे सैटरडे छोड़ के 2-3 दिन में आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, बट वो भैया नेक्स्ट डे ही आ गए थे। देख सकते हो आपकी वो भैया यहाँ अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अब मैं इसका प्राइस बताती हूँ, प्राइस है इसका 18,000। हमने इसे सेल के टाइम पर ऑर्डर करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे पिन कोड में ये डिलीवरेबल नहीं था सेल के टाइम पर। अगर आप इसे सेल के टाइम पर ले रहे हो तो आपको बहुत ही आराम से आपको 3-4,000 तक डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, मेरे पिन कोड में सेल के टाइम पे बड़ा बड़ा प्रोडक्ट नहीं आता, तो हमें बेड का ज़रूरत भी था, इसीलिए हमने बिना सेल का वेट किए हमने इसे ऑर्डर कर लिया था। इंस्टॉलेशन वाले भैया एक एक पार्ट करके अंदर ले जा रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए। मैं आपको पूरा फुल इंस्टॉलेशन दिखाऊंगी, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि आपको इस वीडियो को कर देना है लाइक, अगर आप नए हो तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आपको अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ शेयर करनी है। यहाँ बेड का इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है और शुरुआत हो रहा है बेड के हेड स्टोरेज से, मतलब जो सिरहाने रहेगा उसी पार्ट से शुरू हो रहा है। बेड के हर एक पार्ट में छोटे छोटे स्टिकर में नंबरिंग किया हुआ है, 1, 2, 3 करके, वो आपको मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से ये असेंबल कर लोगे तो मैं आपको बोलूँगी आप बिल्कुल भी कोशिश ना करो, क्योंकि बहुत ही सावधानी से इसे ड्रिल करना पड़ रहा है। ये इंजीनियर वुड है, इसे आप ऐसे पुटी फेविकल वगैरह देखिए इसे आप इसका फिनिशिंग नहीं बैक कर सकते। जब भी आप फ्लिपकार्ट से या फिर ऑनलाइन कहीं पे भी बेड ऑर्डर करो, एक बारी आप अच्छे से मेजरमेंट ले लीजिएगा। हमने अपने पुराने बेड के हिसाब से मेजरमेंट लिया था और ये एग्जैक्टली उसी सेम मेजरमेंट में हमें रिसीव हुआ है, जैसे यहाँ मेजरमेंट का डिस्क्रिप्शन दिया गया था फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमें एग्जैक्टली इसी मेजरमेंट में इसी स्पेस में ही चाहिए था, जैसे पुराना वाले से ज़्यादा स्पेस या फिर कम स्पेस में भी नहीं चाहिए था। जब हमने इसे ऑर्डर किया हमें लगा नहीं था कि ये किंग साइज़ का बेड है, लेकिन ये एग्जैक्टली किंग साइज़ का ही बेड है। इंजीनियर वुड क्या होता है, आपको थोड़ा गूगल में सर्च करना पड़ेगा ताकि आपको बेड रिसीव होने के बाद डिसअपॉइंटमेंट ना हो। और एक बात मैं बता दूं, ये वेंस कलर लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन में, बट ये एग्जैक्टली वेंस कलर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सारे फर्नीचर्स के साथ ये मैच हो रहा है। बेड के सारे पार्ट्स को असेंबल करने के लिए एक दूसरे के साथ यहाँ एक बेड नेट्स का पैकेट भी आया था और एक यूजर मैनुअल भी आया था। यूज़र मैनुअल में लिखा गया है कि ये दीमक फ्री है, मतलब टर्माइट नहीं लगेगा इसमें, और ये फ्लिपकार्ट के यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये वाटर रेजिस्टेंस है, लेकिन ये वाटर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये इंस्टॉलेशन वाले भैया भी बता रहे थे कि आप इसे पानी से नहीं पोंछ सकते, ना ही आप इसे कोलिन से पोंछ सकते हो, आपको बस एक ड्राई क्लॉथ लेना है और इसे अच्छे से साफ करना है, बिल्कुल भी आप इसमें वाटर नहीं यूज़ कर सकते हो पोंछने के लिए। आप चाहो तो कुछ ज़्यादा ऐसा जिद्दी दाग है तो आप वहाँ ऑयल का यूज़ कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन आप वाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ध्यान रखिए कि पानी का इस्तेमाल बेड के आसपास नहीं कीजिएगा। ऑनलाइन फर्नीचर का इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये वाला जो हमने फर्स्ट टाइम बेड ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं ये बता दूं कि जैसा एक्सपेक्टेशन था बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ है, थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, बस इंस्टॉलेशन के दौरान थोड़ा सा दाग हो गया था। अगर आपके रूम में अच्छा खासा स्पेस है तो आपको मैं बोलूँगी कि आप ये बेड को दीवार के यहाँ सटा कर रखिए, ताकि इसकी जो हेड स्टोरेज है उसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सके,
लंबा टाइम तक ये चल सके। ऐसे ही टिप्स वहाँ यूज़र मैनुअल में भी लिखा गया है। हमें इसे मिडिल में रखना था क्योंकि फ़ैन के हिसाब से हमें सेट करना था, इसीलिए हमने इसे मिडिल पर प्लेस किया है। और पुराना वाला बेड भी हमने यही रखा था। बेड का जो हेड स्टोरेज पोर्शन है वो असेंबल करने में थोड़ा वक्त लग गया, क्योंकि उसका जो पीछे वाला साइड है वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप अगर उसमें खड़े हो जाओ या फिर मुक्का मुक्का कुछ मारो तो वो जल्दी टूट जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से सावधानी से करना पड़ रहा है। एग्जैक्टली मैं किस पार्ट की बात कर रही हूँ थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। ये हेड स्टोरेज में जो आपको सेल्फ दिख रहा है इसके पीछे इसे कवर करने के लिए एक पतला सा ऊड का यूज़ होगा कवर करने के लिए। वो एग्जैक्टली ऊड नहीं है, वो सेम प्लाई टाइप का एक ऊड है लेकिन बहुत ही पतला है। मतलब उसे एक बहुत ही पतले पतले छोटे छोटे पिन से उसे सेट करना होता है। अगर थोड़ी भी आप असावधानी से इसे कर रहे हो तो वहाँ आपका स्क्रैचेस हो सकते हैं और पिन दूसरे साइड निकल सकता है, जो कि हमारा थोड़ा निकल गया था दो तीन जगह, लेकिन वो विजिबल नहीं है, सामने से नहीं दिख रहा है, तो वो मैनेज हो रहा है अभी। मैं ये वाले पार्ट की बात कर रही थी। यहाँ आप देख सकते हो छोटे छोटे ऐसे पिन टाइप के नट्स लेके भैया इसे धीरे धीरे बहुत ही केयरफुली इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐसे हथौड़ा से मार मार के। इसे आप ड्रिल भी नहीं कर सकते, इतना पतला है। अगर आप के रूम में स्पेस है तो जैसे कि मैंने बताया, ये आप अगर दीवार के साइड सटा कर रखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं। अगर आप के घर में छोटे बच्चे हैं, बेड पर कूदना पसंद करते हैं, लड़ाई करना पसंद करते हैं, तो आपको इसे दीवार का सपोर्ट देना चाहिए ताकि ये लंबा टाइम तक चले। अगर हम एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का बात करेंगे तो रियलिटी वही है जो हमारा एक्सपेक्टेशन था। बस ये वाले पार्ट जो है, ये बेड स्टोरेज के ये जो पीछे वाले प्लाई वाला जो कवर पार्ट है, ये थोड़ा सा पतला है, लेकिन इसमें ज़्यादा थिक वाला पार्ट रहेगा भी नहीं तो बेड आपका हैवी हो जाएगा। और इसमें कुछ खास काम भी नहीं होता, बस इसे कवर करने के लिए यूज़ होता है। तो फाइनली हेड स्टोरेज असेंबल हो गया है और अभी बारी है मिडिल पार्ट्स, साइड पार्ट्स को असेंबल करने का। आप देख सकते हो भैया एक एक करके ला रहे हैं, नंबरिंग के हिसाब से नंबर का स्टिकर दिया गया है, वहाँ नंबरिंग किया हुआ है, वो देख के और उसे असेंबल कर रहे हैं। और एक बात, अगर आपके घर में कोई मेल हो तो उनके प्रेजेंस में ही इसे इंस्टॉल कीजिएगा, ताकि ये जो इंस्टॉलेशन वाले भैया आते हैं उनको थोड़ा हेल्प मिल जाए, क्योंकि वो अकेले नहीं कर सकते, थोड़ा कोई कोई चीज़ दो जन मिलके उनको लाना पड़ रहा था। तो ये रहा मिडिल वाला पार्ट, एक एक करके असेंबल हो रहा है, अच्छा दिख रहा है। और डस्ट कुछ ज़्यादा ही था, जैसे कि बहुत दूर से ये पैक्ट होके आया है तो डस्ट ऑब्वियसली रहेगा। आपको इसका भी ध्यान रखना है कि जब ये असेंबल हो रहा हो तो आपको थोड़ा सा मेंटेन के लिए इसे पोछ लेना चाहिए, ताकि आप जब इसमें बेड आपका कवर हो जाए फुल्ली तो आप इसमें कोई भी सामान रख सको। वैसे तो आपको फ्लिपकार्ट में बहुत सारे वैरायटीज मिल जाएंगे किंग साइज़ बेड के, जैसे कि हाइड्रोलिक वाला या फिर साइड ड्रॉयर वाला बेड, साइड स्टोरेज वाला ड्रॉयर जिसमें रहता है, लेकिन हमें ये हेड स्टोरेज वाला चाहिए था एसी रिमोट, टीवी रिमोट वगैरह रखने के लिए, मोबाइल फ़ोन वगैरह रखने के लिए, तो हमने ये चूज़ किया। ये रहा नंबरिंग, कुछ इस तरह से नंबरिंग किया हुआ था, छोटे छोटे स्टिकर लगाए गए थे ताकि इंस्टॉलेशन वाले भैया को ईजी हो असम्बल करने में। तो ये रहा, इतना तक तो असेंबल हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मेज़रमेंट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। पुराना वाला बेड भी एग्जैक्टली इसी मेज़रमेंट में था और हमें एग्जैक्टली इसी स्पेस में चाहिए था। मैं आपको और एक बात बता दूं, जब हमने बेड सर्च किया फ्लिपकार्ट पर किंग साइज़ बेड का, तो हमें कोई कुछ भी अच्छा रिव्यू नहीं मिला था। ये वाले बेड का तो 3.4 3.2 कुछ ऐसा रेटिंग था, और वो भी बहुत कम लोग ने परचेस किया था। कुछ डिटेल्स में रिव्यू नहीं था और कुछ डिटेल्स में फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं था, तो हमने सोचा कि एक वीडियो ही बनाया जाए ताकि जो भी खरीदे उनको मतलब हेल्पफुल हो। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा हो तो आप प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी सेम ब्रांड का आपको और एक वैरायटी भी मिल जाएगा, ये किंग साइज़ है, आपको क्वीन साइज़ पे मिल जाएगा, प्लस आपको दो कलर वेरिएंट पे मिल जाएंगे। हमें ये वाला कलर पसंद आया, प्लस हमें किंग साइज़ में ही चाहिए था। अगर आपको आपका परमानेंट घर है, आपको शिफ्टिंग वगैरह नहीं होगा आपके फ्यूचर में, तो आप ये बेड आराम से ले सकते हो, लेकिन जब भी आप अगर शिफ्टिंग करो तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, ताकि ये सारे इंजीनियर उड़े और इसमें स्क्रैचेस बहुत गंदे दिखते हैं, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और बेड ये रहा पूरा असेंबल होने के बाद।
बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज आपको मिल जाएगा बेडरूम एसेंशियल रखने के लिए। किंग साइज़ का ये बेड है, जैसे हमने फ़ोटो में देखा था हमें लग नहीं रहा था कि ये किंग साइज़ है, लेकिन एग्जैक्टली ये किंग साइज़ है। आप आराम से 3 जन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद कुछ ऐसे दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब सेटिस्फेक्टरी परचेजिंग है ये फ्लिपकार्ट से। अच्छा रेटिंग रिव्यू नहीं था, हमने खुद अपने रिस्क के लिया है, लेकिन हमें बहुत ही अच्छा लगा है। आप खुद ही देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से बहुत सारे सामान आ जाएंगे आपके बेड स्टोरेज में जो नीचे रहता है स्टोरेज में। हमें ये बेड रिसीव हुए 3 मंथ्स हो गया है, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। आपको अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं कोशिश करूँगी क्लियर करने के लिए। तो ये था आज का मेरा फ्लिपकार्ट किंग साइज़ बेड का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके DM कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।